ईश्वर की अद्वितीय सुंदर और रहस्यमय रचना है। कहते हैं कि स्त्री को समझना असंभव है, देवता तक स्त्री को समझ नहीं पाए हैं, तो मनुष्य की विसात ही क्या। यही वजह है कि स्त्री के रहस्य हमेशा से पुरुष को आकर्षित करते आए हैं। स्त्री को समझने, उसका मन पढ़ने, उसके भाव भंगिमा को जानने का दावा लोग करते आए हैं, पर स्त्री है कि हर दिन एक नया रूप सामने लाकर पुरुष को आश्चर्यचकित करती आई है। इसी रहस्यमय स्वरूप के कारण स्त्री का आकर्षण सृष्टि के आदि से वर्तमान तक लगातार बना हुआ है। वैसे तो स्त्री को जानने समझने के दावे पूर्णता सही कभी भी नहीं हो पाए, फिर भी प्राकृतिक आकर्षण और विवाह जैसे संस्कार को सफल और संभव बनाने के लिए पुरुष के लिए स्त्री को जानने की ललक और आवश्यकता बनी रहती है। शरीर विज्ञान ने स्त्रियों पर किए लंबे शोध के द्वारा कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे स्त्री को कुछ हद तक जाना जा सकता है। देखिए, स्त्री जन्म जन्म तक अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष प्रतीक्षा जानता ही नहीं है। पुरुष के मन की जो व्यवस्था है उसमें प्रतीक्षा शब्द है ही नहीं। एक पुरुष को अभी, यही, इंस्टेंट यानी तुरंत सब चाहिए। पुरुष को इंस्टेंट कॉफी भी चाहिए और इंस्टेंट सेक्स भी। जानते हैं, इसीलिए पुरुष ने विवाह शब्द का इजाद किया, क्योंकि वह जानता था विवाह के बिना इंस्टेंट सेक्स कभी संभव ही नहीं हो सकेगा। पुरुष प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वह आतुर है, व्यग्र है, तनावग्रस्त है। लेकिन स्त्री प्रतीक्षा कर सकती है, अनंत प्रतीक्षा कर सकती है, जन्म जन्म तक प्रतीक्षा कर सकती है। इसलिए जब इस मुल्क में हिंदुओं ने पुरुषों को विदुर रखने की व्यवस्था नहीं की और स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था की, तो यह सिर्फ स्त्रियों पर जाती ही नहीं थी, इसमें स्त्रियों की प्रतीक्षा के तत्व की समझ थी। एक स्त्री अपनी प्रेमी के लिए एक जन्म नहीं बल्कि अगले जन्म तक के लिए प्रतीक्षा कर सकती है या भरोसा किया जा सकता है, लेकिन पुरुष पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने अगर स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था दी और पुरुषों को नहीं दी, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यह व्यवस्था पुरुष के पक्ष में थी। जहां तक मैं समझ पाता हूं, यह पुरुष का बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन स्त्री के लिए बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि इस बात की सूचना थी कि हम स्त्री पर भरोसा कर सकते हैं कि वह प्रतीक्षा कर सकती है। लेकिन एक पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए विदुर को रखने के लिए आग्रह नहीं रहा। कोई रहना चाहे वह उसकी मर्जी, लेकिन स्त्री पर आग्रह था, उसे विधवा रखा जाता था। और आग्रह इसलिए था, फोर्स इसलिए था कि उसकी प्रतीक्षा में ही उसका वह जो स्नेह तत्व है, उसका जो फेमिनिन तत्व है, वह ज्यादा प्रकट होगा। उसे जितना अवसर मिले निष्क्रिय प्रतीक्षा का, उसके भीतर की गहराइयां उतनी ही गहन और गहरी होती जाती है और उसके आंतरिक रहस्य मधुर और सुगंधित हो जाते हैं। ईसाई धर्म ने इस दुनिया को बड़े से बड़ी जो बुरी बात दी है, वह यह है कि उसने प्रशिक्षित पुरोहित दिए। कोई प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता। प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकते हैं, प्रशिक्षित वकील हो सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे प्रशिक्षित कवि नहीं हो सकता, और अगर आप कविता को सिखा दें, ट्रेनिंग दे दें, सर्टिफिकेट दे दें और आप यह कह दें कि आदमी ट्रेंड है कविता में, तो वह सिर्फ तुकबंदी करेगा, कवि कवि नहीं बन सकता। कविता उससे पैदा नहीं हो सकती। पुरोहित भी जन्मजात क्षमता है, साधना का फल है, उसे कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। इसीलिए कोई पंडित बनता नहीं है, पैदाइशी पंडित होता है। सिर्फ उसे निखारने के लिए उसे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन ईसाइयत ने पुरोहित प्रशिक्षित किए, ट्रेंड पुरोहित, उनके पास डिग्रियां हैं, उनमें डीडी है यानी डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है। डॉक्टर ऑफ डिविनिटी कोई नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट पे जो डिविनिटी तय हो जाएगी वह डिविनिटी नहीं हो सकती। यह क्या दिव्यता होगी जो एक स्कूल सर्टिफिकेट देने से तय हो जाती हो। तो पुरोहित के पास जब स्त्रियां अपने पापों को कन्फेस करती हैं, तो यह कन्फेशन बहुत टेपी होता है। स्वाभाविक तौर पर जब कोई स्त्री अपने पाप को स्वीकार करती है और एकांत में करती है, तो पुरोहित के लिए बड़ी बेचैनी हो जाती है। स्त्री तो हल्की हो जाती है, लेकिन पुरोहित भारी हो जाता है। असल में विधवा अगर सच में विधवा हो, तो उसके सौंदर्य में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि प्रतीक्षा उसके स्नेह यानी फेमिनिन रहस्य को गहन कर देती है।
कुंवारी लड़की में जो रहस्य होता है वह प्रतीक्षा का है। इसलिए सारी दुनिया में जो समझदार कौमें थी उन्होंने तय किया कि कुंवारी लड़की से ही विवाह करना सही है, क्योंकि सच तो यह है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उससे विवाह करने का अर्थ यह हुआ कि आपको स्त्री के रहस्य की जानकारी ही नहीं है, आपको मौका ही नहीं मिला उसके रहस्य को जानने का। वह रहस्य पहले ही खंडित हो चुका, वह स्त्री छिछली हो गई, उसने प्रतीक्षा ही नहीं की इतनी जितनी प्रतीक्षा पर उसके भीतर का पूरा रहस्यमय फूल खिलता है। इसलिए जिन समाजों ने स्त्री के कुंवारे रहने पर और विवाह पर जोर दिया उन्होंने पुरुष के कुंवारेपन की बहुत फिक्र नहीं की। उसका कारण है कि पुरुष के कुंवारेपन या ना कुंवारेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्त्री के कुंवारेपन से फर्क पड़ता है। कुंवारी स्त्री में एक सौंदर्य है जो विवाह के बाद उसमें खो जाता है। दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो से स्त्री के रहस्य को नहीं समझा जा सकता, इसके लिए न जाने कितनी ही वीडियोस आपके लिए लानी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप स्त्री के रहस्य के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, मैं आपको इसके बारे में हर रोज जानकारी दूंगा जिससे आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आ सके। वैसे स्त्रियों की स्थिति आज के समाज में जो है वह किसी से छुपी नहीं है। स्त्रियां पुरुषों से भिन्न है कम जरा भी नहीं है, लेकिन भिन्नता और असमानता में फर्क है। स्त्रियां पुरुष से भिन्न है यह सच है, उनमें बहुत भेद है यह भी सच है, लेकिन असमान वे नहीं है और हीन तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में तो पुरुषों से ज्यादा उनकी क्षमताएं हैं। स्त्रियां पुरुष के मुकाबले शरीर से एक अर्थ में कमजोर हैं कि उनके पास मस्कुलर पावर यानी मसल्स की ताकत नहीं है, लेकिन एक दूसरे अर्थ में स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास रेजिस्टेंस की ताकत पुरुष से ज्यादा है। अगर एक ही बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों को लग जाए तो पुरुष जल्दी टूट जाता है, स्त्री देर से टूटती है। स्त्रियां पुरुषों से कम बीमार पड़ती है और स्त्रियों की उम्र पुरुषों से सारी दुनिया में ज्यादा है, इसलिए हम पुरुष और स्त्री के विवाह में थोड़ा उम्र का फासला रखते हैं। अगर लड़का 20 वर्ष का होता है तो लड़की हम 17 और 16 वर्ष की चुनते हैं। पुरुष 4-5 साल पहले मर जाते हैं, स्त्रियां 5 साल ज्यादा देर तक जिंदा रहती हैं। अरे आपने अपने गांव में तो देखा ही होगा कि स्त्रियां जीवित रहती थी जबकि पुरुषों की मृत्यु पहले हो जाया करती थी। स्त्री के पास शरीर में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की ताकत पुरुष से ज्यादा है। स्वभावतः प्रकृति ने उसे यह ताकत दी है क्योंकि उसे 9 महीने बच्चे को पेट में रखना पड़ता है, जो कि यदि किसी पुरुष को ऐसा करना पड़े तो पुरुष जिंदा रहने से इनकार कर दे। 9 महीने जीवित व्यक्तित्व को अपने भीतर विकसित करने के लिए उसे प्रसव की जितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है उसको भी झेलने की शक्ति उसके पास है। और बच्चे को पैदा करना तो ठीक ही है, बच्चे को बड़ा करना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर पुरुष के पास रात को बच्चे को सोने के लिए छोड़ा जाए तो या तो बच्चों की गर्दन पुरुष दबा देंगे या अपनी गर्दन दबा लेंगे। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मम्मी के पास सोया करता था। एक बार न जाने क्यों मैं अपने पापा के पास सोने के लिए जिद करने लगा। रात को जब मैं पापा के पास सोया, मेरी और बच्चों की तरह ही आदत थी कि मैं बार बार करवट लेता और बार बार अपने हाथ पैर को मोड़ता और खोलता था, जिससे मेरे पापा की नींद बार बार खुल जा रही थी। शायद 2-3 घंटे ही मैं अपने पापा के पास सो पाया था कि उन्होंने आवाज लगाकर मेरी माताजी को बुलाया और मुझे उनके पास भेज दिया कि इसे अपने पास ही सुलाओ, इस आफत को मुझसे दूर ले जाओ। जबकि मैं न जाने कितने सालों से अपनी माता के पास सो रहा था और केवल एक दिन मेरे पिताजी मुझे अपने पास नहीं सुला सके। इसीलिए स्त्री के पास पीड़ा को झेलने की क्षमता पुरुष से ज्यादा होती है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 115 लड़कों पर सिर्फ 100 लड़कियां पैदा होती हैं। जन्म के समय लड़कों की संख्या 15 ज्यादा होती है, लड़कियों की 15 कम होती है, लेकिन विवाह की उम्र आते आते 100 लड़कियां रह जाती हैं, 100 लड़के रह जाते हैं, 15 लड़के खत्म हो जाते हैं। लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों से ज्यादा है, इसलिए प्रकृति को 15 लड़के ज्यादा पैदा करने पड़ते हैं, क्योंकि शादी की उम्र तक 15 लड़के तो जा चुके होंगे। एक दृष्टि से पुरुष ताकतवर है क्योंकि उसके पास मस्कुलर ताकत है, वह ज्यादा बड़ा पत्थर उठा सकता है, लेकिन दूसरे अर्थों में पुरुष कमजोर है, वह ज्यादा बड़ी पीड़ा नहीं झेल सकता। और ध्यान रहे, इसलिए स्त्रियों का भविष्य पुरुष से ज्यादा उज्जवल है।
क्योंकि मसल्स का काम तो मशीन करने लगी है, लेकिन पीड़ा झेलने का काम अभी कोई मशीन नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप इस आधुनिक युग में कॉल सेंटर्स का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ ज्यादातर लड़कियां ही सरवाइव कर पाती हैं। लड़के तो रिजाइन देकर इधर उधर भागते फिरते हैं। हम पुरुषों की ताकत रोज बेईमानी होती जा रही है, इसलिए पुरुष की मसल्स खोती जा रही है, क्योंकि अब पत्थर किसी पुरुष को नहीं उठाना है, वह क्रेन उठा देती है, और किसी बड़े वृक्ष को पुरुष को नहीं काटना है, वह आरा काट देता था। एक समय था जब कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जाते थे, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, 2 मिनट में काम निपटा देती हैं। पुरुष के मसल्स की ताकत तो मशीन ने ले ली है, इसलिए तो आजकल ज्यादातर युवा जिम में अपना पसीना बहा रहे हैं। इसलिए पुरुष की शक्ति का अब भविष्य में बहुत उपयोग नहीं है। न उसे तलवार चलाने की जरूरत है, न उसे लकड़ी चीरने की जरूरत है, न पत्थर फोड़ने की जरूरत है। लेकिन अभी स्त्री की शक्ति मशीन लेने में असमर्थ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में स्त्री रोज ताकतवर होती जाएगी और पुरुष रोज कमजोर होता जाएगा। अगर आप इस समाज में नोटिस करें तो ऐसा ही हो रहा है। धीरे धीरे स्त्रियां आगे बढ़ती जा रही हैं और पुरुष पीछे रहते जा रहे हैं। आजकल तो मार्केटिंग लाइन में भी स्त्रियां ही हैं, फील्ड वर्क में भी स्त्रियां ही हैं, डिलीवरी का काम भी स्त्रियां कर रही हैं, बस चलाने का कार्य भी स्त्रियां कर रही हैं। तो स्त्रियां पीछे किस में है? किसी में नहीं। तो इसी प्रकार यदि स्त्रियां अध्यात्म में प्रवेश करें तो उन्हें सत्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यदि उनके अंदर एक बार अध्यात्म घर कर गया तो उन्हें सत्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो पुरुष को स्त्री कभी समझ में नहीं आ पाती, इसलिए पुरुष निरंतर अनुभव करता है कि स्त्री बेबूझ है, समथिंग में सीरियस, कुछ है जो छूट जाता है। वो क्या है जो छूट जाता है? निश्चित ही पुरुष और स्त्री साथ साथ जीते हैं, पुरुष स्त्री से पैदा होता है, स्त्री के साथ जीता है, प्रेम करता है, जन्म पूरा जीवन बिताता है। फिर भी क्या है जो स्त्री के भीतर पुरुष के लिए अनजान और अपरिचित रह जाता है? वही अनजान और अपरिचित तत्व का नाम लाओस से कह रहा है फेमिनिन मिस्ट्री, घाटी का रहस्य, अंधकार का रहस्य, निषेध की खूबी। क्या है स्त्री के भीतर? अगर एक स्त्री आपसे प्रेम में पड़ जाए तो भी आक्रमण नहीं करती, प्रेम में भी आक्रमण नहीं करती, प्रेम में भी प्रतीक्षा करती, आक्रमण का मौका आपको ही देती है। आप कभी किसी स्त्री से ऐसा न कह सकेंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, कि तूने मुझे विवाह में डाल दिया। स्त्रियां ही डालती हैं, लेकिन कभी आप किसी स्त्री से ऐसा न कह सकेंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, क्योंकि इनिशिएटिव वे कभी नहीं लेती, पहल वे कभी नहीं करती। वही उनका रहस्य, खींचना बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कर्म के आकर्षित करना, सिर्फ होने मात्र से आकर्षित करना, जिसको कृष्ण ने गीता में इनेक्शन कहा है, अकर्म कहा है, स्त्री का रहस्य वही है। वो अगर प्रेम में भी गिर जाए तो उसकी तरफ से इशारा भी नहीं मिलता कि वो आपके प्रेम में गिर गई है। उसकी मौजूदगी आपको खींचती है, खींचती है। आप ही पहली दफा कहते हैं कि मैं प्रेम में पड़ गया हूं। स्त्री कभी किसी से नहीं कहती कि मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई हूं, पहल कभी नहीं करती, क्योंकि पहल आक्रामक है, एग्रेसिव है, पॉजिटिव है। जब मैं किसी से कहता हूं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं अपने से बाहर गया, मैंने कहीं जाके आक्रमण किया, मैंने ट्रेसपासिंग शुरू की, मैं दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रहा हूं। स्त्री कभी किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करती, फिर भी स्त्री आकर्षक है। उसका रहस्य क्या है? निश्चित ही उसका आकर्षण इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। पुकारती है लेकिन आवाज नहीं होती उस पुकार में, हाथ फैलाती है लेकिन उसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते।
निमंत्रण दिया जाता है लेकिन निमंत्रण की कोई भी रूपरेखा नहीं होती। कर्म पुरुष को करना पड़ता है, कदम उसे उठाना पड़ता है, जाना उसे पड़ता है, प्रार्थना उसे करनी पड़ती है, और फिर भी स्त्री इंकार किए चली जाती है। और जब भी कोई स्त्री किसी के प्रेम में जल्दी हां भर देती है तब समझना चाहिए उस स्त्री को भी स्त्रीण रहस्य का कोई पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्त्री हां भरती है वैसे ही व्यर्थ हो जाती है। उसका निषेध, उसका इंकार किए चले जाना ही उसका अनंत रस का रहस्य है। लेकिन उसकी नहीं कुछ ऐसी है जैसी नहीं पुरुष कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब पुरुष बोलता है नहीं, कहता है नो, इट मींस नो, और जब स्त्री कहती है नो, इट मींस यस। अगर स्त्री को नो ही कहना है तो वो नो भी नहीं कहेगी, क्योंकि उतना कहना भी बहुत ज्यादा कहना है। मुल्ला नसरुद्दीन एक युवती के प्रेम में पड़ गया है, बहुत परेशान घर आके अपने पिता को कहा है, चिंतित उदास है। तो पिता ने पूछा है इतना चिंतित क्यों है नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, जिस स्त्री के पीछे मैं 9 महीने से चक्कर लगा रहा हूं आज उसने सब बात ही तोड़ दी। पिता ने कहा तू ना समझ, स्त्री जब कहे नहीं तो उसका अर्थ नहीं नहीं होता। नसरुद्दीन ने कहा वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन उसने नहीं नहीं कहा, उसने कहा कि तू कुत्ता, नहीं उसने कहा ही नहीं। अगर वो नहीं कहती तो अभी मैं और 9 वर्ष चक्कर लगा सकता था। उसने नहीं भी नहीं कहा है, उतना भी रास्ता नहीं छोड़ा है। स्त्री जब हां करती है तब वो पुरुष की भाषा बोल रही है, इसलिए स्त्री के मुंह से हां बहुत ही छोछा, उथला और गहरे अर्थों में अनैतिक मालूम पड़ता है, उतना भी आक्रमण है। स्त्री का सारा रहस्य और राज तो इसमें है, उसकी मिस्ट्री इसमें है कि वो नहीं कहती है और बुलाती है, नहीं बुलाती और निमंत्रण जाता है। अपनी ओर से कभी कोई कमिटमेंट स्त्री नहीं करती, सब कमिटमेंट पुरुष करता है, सब प्रतिबद्धताएं पुरुष की हैं। और इस भ्रांति में कोई पुरुष ना रहे कि स्त्री ने कुछ भी नहीं किया है, स्त्री ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके करने का ढंग निषेधात्मक है, घाटी की तरह है, अंधेरे की तरह है, निषेध ही उसकी तरकीब है, दूर हटना ही पास आने का निमंत्रण है, उसकी बचने की कोशिश ही बुलावा है। ये फेमिनिन मिस्ट्री है, और इसमें और गहरे उतरेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आएंगी। स्त्री संभोग की दृष्टि से भी निषेधात्मक है, पैसिव है, इसलिए दुनिया में स्त्रियों के ऊपर कोई बलात्कार का जुर्म नहीं रखा जा सकता। किसी स्त्री ने लाखों वर्ष के इतिहास में किसी पर बलात्कार नहीं किया। स्त्री के व्यक्तित्व में बलात्कार असंभव है, पुरुष बलात्कार कर सकता है, करता है, और 100 में 90 मौके पर पुरुष जो भी करता है वो बलात्कार ही होता है, 100 में 90 मौके पर, उन मौकों पर नहीं जो अदालत में पकड़े जाते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ भी जो संबंध निर्मित करता है उसमें 90 मौके पर बलात्कार होता है, क्योंकि स्त्री चुप है, उसकी चुप्पी हां समझी जा सकती है। और जो हमने व्यवस्था की है समाज की पति के प्रति, हमने उसका कर्तव्य बांधा हुआ है, पति उससे प्रेम मांगे तो वो चुप होकर दे देती है, लेकिन अगर उसके भीतर उस क्षण प्रेम नहीं था तो पति का ये प्रेम बलात्कार होगा। लेकिन पुरुष बलात्कार कर सकता है, क्योंकि पुरुष का पूरा व्यक्तित्व आक्रामक, एग्रेसिव है,
हमलावर है। स्त्री का व्यक्तित्व रिसेप्टिव ग्राहक है। यह न केवल व्यक्तित्व बल्कि शरीर की संरचना भी प्रकृति ने ऐसी की है कि स्त्री का शरीर केवल ग्राहक है, पुरुष का शरीर आक्रामक है। लेकिन सृजन होता है स्त्री से, जन्म होता है स्त्री से, आक्रमण करता है पुरुष, जो कि बिल्कुल संयोगिक है, जिसके बिना चल सकता है, और जन्म होता है स्त्री से जो केवल ग्राहक है। वैज्ञानिक कहते हैं जब भी कहीं जन्म होता है तो अंधेरे में, बीज फूटता है तो जमीन के अंधेरे में, रोशनी में ले आओ और बीज फूटना बंद कर देता है। एक व्यक्ति जन्मता है तो मां के गर्भ के अंधकार में, निपट गहन अंधकार में, प्रकाश में ले आओ जन्म मृत्यु बन जाती है। जीवन में जो भी पैदा होता है सूत्र रहस्य का, वो सदा अंधकार में गुप्त और छिपे हुए जगत में होता है, और गुप्त वही हो सकता है जो एग्रेसिव ना हो, आक्रमक ना हो। जो आक्रमक है वो गुप्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष के व्यक्तित्व में सतह बहुत होती है, गहराई नहीं होती उतनी। स्त्री के व्यक्तित्व में सतह बहुत कम होती है, गहराई बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि पुरुष जल्दी थक जाता है और स्त्री जल्दी नहीं थकती, आक्रमण थका देगा। इसलिए पुरुष वेश्याएं नहीं हो सकी, क्योंकि कोई पुरुष वेश्या नहीं हो सकता। एक संभोग थक जाएगा, स्त्री वेश्या हो सकी क्योंकि 50 संभोग भी उसे नहीं थका सकते। वो सिर्फ रिसेप्टिव है, वो कुछ करती ही नहीं। इसलिए एक अनूठी घटना घटी कि पुरुष वेश्याएं नहीं हो सकी, स्त्रियां वेश्याएं हो सके। पुरुष बलात्कारी हो सके, स्त्रियां बलात्कारी नहीं हो सके। पुरुष गुंडे हो सके, स्त्रियां गुंडे नहीं हो सके। लेकिन स्त्रियां वेश्याएं हो सकी, पुरुष वेश्याएं नहीं हो सके। और कारण कुल इतना है कि पुरुष का सारा व्यक्तित्व आक्रामक है, जो आक्रमण करेगा वो थक जाएगा। ये जान के आप हैरान होंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो 116 लड़के पैदा होते हैं। प्रकृति संतुलन को कायम रखती है क्योंकि पुरुष कमजोर है। हम सब यही सोचते हैं कि पुरुष बहुत शक्तिशाली है, वो सिर्फ पुरुष का ख्याल है। पुरुष कमजोर है इसलिए 116 लड़के पैदा करने पड़ते हैं और 100 लड़कियां, क्योंकि 14 वर्ष के होते होते 16 लड़के मर जाते हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाता है। 16 लड़के एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, स्पेयर प्रकृति को पैदा करने पड़ते हैं, क्योंकि पता है कि 16 लड़के 100 में से 14 वर्ष की उम्र पाते पाते मर जाएंगे। स्त्रियों की औसत उम्र पुरुषों से ज्यादा है, 5 वर्ष। अगर पुरुष 70 साल जीता है तो स्त्रियां 75 साल जीती हैं। और स्त्रियां जितना श्रम उठाती हैं शरीर से, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने में जितना श्रम है उतना एक एटम बम को जन्म देने में भी नहीं है। एक स्त्री 20 बच्चों को जन्म दे और फिर भी पुरुष से 5 साल ज्यादा जीती है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं, और जो बीमारियां स्त्रियों को हैं वो स्त्रियों की नहीं, पुरुषों ने जो समाज निर्मित किया है उसकी परेशानी की वजह से। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं, फिर भी जितनी बीमार पड़ती हैं उसमें भी कोई 70% कारण पुरुषों ने जो व्यवस्था की है वो है, स्त्रियां नहीं। क्योंकि सारी व्यवस्था पुरुष की है, मैन डोमिनेटेड है, और पुरुष अपने ढंग से व्यवस्था करता है, उसमें स्त्री को एडजस्ट होना पड़ता है, वो उसकी बीमारी का कारण है। हिस्टीरिया पुरुषों के समाज में स्त्रियों को एडजस्ट होने का परिणाम है। अगर स्त्रियों का समाज हो और पुरुषों को उसमें एडजस्ट होना पड़े तो हिस्टीरिया इससे 5 गुना ज्यादा होगा, करीब करीब सारे पुरुष पागल हो जाएंगे। वो स्त्रियों का रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधक शक्ति है कि वो सब पागल नहीं हो गई।
फिर भी स्त्रियां आपको क्रोधी दिखाई पड़ती हैं, ईर्ष्यालु दिखाई पड़ती हैं, उपद्रव कलह 24 घंटे वो जारी रखती हैं। उसका कुल कारण इतना है कि वे जो होने को पैदा हुई हैं, समाज उनको वो नहीं होने देता और कुछ और करवाने की कोशिश करता है। उससे उनकी सृजनात्मक शक्ति विध्वंस की तरफ, परवर्षन की तरफ, विकृति की तरफ चली जाती। और पुरुषों ने स्त्रियों को इतना दबाया और इतना सताया तो आम तौर से लोग समझते हैं, स्त्रियां भी यही समझती हैं कि स्त्रियां कमजोर थी इसलिए पुरुषों ने इतना सताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जानते हैं वो कुछ और जानते हैं। वो ये जानते हैं कि स्त्रियां इतनी शक्तिशाली थीं कि अगर न दबाई गई होती तो पुरुषों को उन्होंने कभी का दबा डाला होता। उनको बचपन से ही दबाने की जरूरत है, नहीं वो खतरनाक सिद्ध हो सकती है। स्त्रियों को सारी दुनिया में दबाए जाने का जो असली कारण है, वो असली कारण यह है कि वो इतनी शक्तिशाली सिद्ध हो सकती हैं अगर बिना दबाई छोड़ दी जाएं कि पुरुष बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें सब तरफ से रोक देना जरूरी है और बचपन से रोक देना जरूरी है। और रुकावट करीब करीब वैसी है जैसे चीन में हम स्त्रियों को लोहे के जूते पहना देते थे, फिर उनका पैर बड़ा नहीं हो पाता था, फिर वे स्त्रियां दौड़ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी ठीक से, भाग नहीं सकती थी। सच तो यह है उन्हें सदा ही पुरुष के कंधे के सहारे की जरूरत थी। और फिर पुरुष उनसे कहता था नाजुक, डेलिकेट। और नाजुक होने को पुरुष ने एक मूल्य बना दिया, एक वैल्यू बना दिया, क्योंकि स्त्री नाजुक हो तो ही उस पर काबू किया जा सकता है। स्त्री पुरुष से ज्यादा मजबूत सिद्ध हो सकती है अगर उसको पूरा विकसित होने दिया जाए, क्योंकि प्रकृति ने उसे जन्म की शक्ति दी है और जन्म की शक्ति सदा उसके पास होती है जो ज्यादा शक्तिशाली है, अन्यथा गर्भ को खींच लेना असंभव हो जाए। लाओस से कहता है इस स्त्रीण रहस्य को ठीक से समझ ले, ये घाटी की जो आत्मा है इसे ठीक से समझ ले। ये घाटी की आत्मा कभी थकती नहीं, ये कभी मरती नहीं। ये जो निषेध है, ये जो ना करने के द्वारा करने की कला है, ये जो बिना आक्रमण के आक्रमण कर देना है, ये बिना बुलाए बुला लेने का जो राज है, इसे ठीक से समझ लें। क्योंकि लाओस से कहता है इस राज को समझकर ही कोई जीवन के परम सत्य को उपलब्ध कर सकता है। हम पुरुष की तरह परम सत्य को कभी नहीं पा सकते, क्योंकि परम सत्य पर कोई आक्रमण नहीं किया जा सकता। कोई हम बंदूकें और तलवारें लेकर परमात्मा के मकान पर कब्जा नहीं कर लेंगे। परमात्मा को केवल वे ही पा सकते हैं जो स्त्रीण रहस्य को समझ गए, जिन्होंने अपने को इतना समर्पित किया, इतना छोड़ा, लेट गो, कि परमात्मा उनमें उतर सके। ठीक वैसे ही जैसे स्त्री पुरुष के प्रेम में अपने को छोड़ देती है, कुछ करती नहीं बस छोड़ देती है, और पुरुष उसमें उतर पाता है। एक बहुत अनूठी बात जो इधर 10 वर्षों में ख्याल में आनी शुरू हुई, क्योंकि वास्तविक स्त्री खो गई है दुनिया से, और जो स्त्री है वो बिल्कुल सूडो है, वो पुरुष के द्वारा बनाई गई है, वो बिल्कुल बनावटी है। जिसको हम आज स्त्री कह के जानते हैं वो पुरुष के द्वारा बनाई गई गुड़िया से ज्यादा नहीं है, वो स्वाभाविक स्त्री नहीं है जैसी होनी चाहिए। अभी पश्चिम में एक छोटा सा वैज्ञानिकों का प्रयोग चलता है जिसमें वो ये कोशिश करते हैं कि क्या ये संभव है, और तंत्र ने इस पर बहुत पहले काम किया है, बहुत पहले, कोई 2000 साल पहले, और यह अनुभव किया है कि यह हो सकता है। स्त्री और पुरुष के संभोग में चूंकि पुरुष सक्रिय होता है, अगर पुरुष सक्रिय ना हो पाए तो संभोग असंभव है। अगर पुरुष कमजोर हो जाए, वृद्ध हो जाए, उसके जनन यंत्र शिथिल हो जाए तो संभोग असंभव है। लेकिन अभी पश्चिम में 10 वर्षों में कुछ प्रयोग हुए हैं गहरे, जिनमें वो कहते हैं कि अगर पुरुष की जननेंद्रिय बिल्कुल शिथिल और क्षीण शक्तिहीन हो जाए तो भी फिक्र नहीं, स्त्री अगर उस पुरुष को प्रेम करती है तो सिर्फ स्त्री जननेंद्रिय के पास पहुंच जाने पर स्त्री की जननेंद्रिय पुरुष की जननेंद्रिय को चुपचाप अपने भीतर खींच लेती, पुरुष को प्रवेश की भी जरूरत नहीं है। अगर स्त्री का प्रेम भारी है
तो उसका शरीर ऐसे खींच लेता है जैसे खाली जगह में हवा खींच के आ जाए। ये बहुत हैरानी का तथ्य है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका कुल कारण इतना है कि स्त्री प्रेम नहीं करती है उस पुरुष को, इसलिए उसका शरीर उसे खींचता नहीं, और इसलिए पुरुष जो भी कर रहा है वो बलात्कार है। अगर स्त्री प्रेम करती है तो खींच लेगी, उसका पूरा बायोलॉजिकल, उसका जैविक यंत्र ऐसा है कि वो व्यक्ति को अपने भीतर खींच लेगी। लाओस से कहता है ये स्त्री का रहस्य है कि बिना कुछ किए वो कुछ कर सकती है, बिना कुछ किए। पुरुष को कुछ भी करना हो तो करना पड़ेगा। धर्म का रहस्य भी स्त्री है। अगर कोई परमात्मा को पाने जाए तो कभी ना पा सकेगा, और कोई केवल अपने हृदय के द्वार को खोलकर ठहर जाए तो परमात्मा यही और अभी प्रवेश कर जाए। दूर दूर खोजे कोई, अनंत की यात्रा करे कोई, भटके जन्मों जन्मों तक, तो भी परमात्मा को नहीं पा सकेगा, क्योंकि परमात्मा को पाने का राज ही यही है कि हम रिसेप्टिव हो जाएं, एग्रेसिव नहीं, हम अपने को खुला छोड़ दें, हम सिर्फ राजी हो जाएं कि वो आता हो तो हमारे द्वार दरवाजे बंद ना पाए, हमारा प्रेम इतना ही करे कि वो एक पैसिव अवेटिंग, एक निष्क्रिय प्रतीक्षा बन जाए। स्त्री जन्म जन्म तक अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष प्रतीक्षा जानता ही नहीं है, पुरुष के मन की जो व्यवस्था है उसमें प्रतीक्षा नहीं है, उसमें अभी और यही, इंस्टिंक्ट सब चाहिए, इंस्टिंक्ट काफी भी, इंस्टिंक्ट सेक्स भी, अभी। इसलिए पुरुष ने विवाह ईजाद किया, क्योंकि विवाह के बिना इंस्टेंट सेक्स अभी संभव नहीं है। पुरुष प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता, आतुर है, व्यग्र है, तनावग्रस्त है, लेकिन स्त्री प्रतीक्षा कर सकती, अनंत प्रतीक्षा कर सकती। इसलिए जब इस मुल्क में हिंदुओं ने पुरुषों को विधुर रखने की व्यवस्था नहीं की और स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था की, तो ये सिर्फ स्त्रियों पर जाति ही नहीं थी, ये स्त्रियों की प्रतीक्षा के तत्व की समझ भी इसमें थी। एक स्त्री अपने प्रेमी के लिए पूरे जन्म, अगले जन्म तक के लिए प्रतीक्षा कर सकती, ये भरोसा किया जा सकता, लेकिन पुरुष पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने अगर स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था दी और पुरुषों को नहीं दी, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि व्यवस्था पुरुष के पक्ष में थी, जहां तक मैं समझ पाता हूं यह पुरुष का बहुत बड़ा अपमान था, यह स्त्री का गहनतम सम्मान था, क्योंकि इस बात की सूचना थी कि हम स्त्री पर भरोसा कर सकते हैं, कि वो प्रतीक्षा कर सकती, लेकिन पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए विधुर को रखने के लिए आग्रह नहीं रहा। कोई रहना चाहे वो उसकी मर्जी, लेकिन स्त्री पर आग्रह था, और आग्रह इसलिए था कि उसकी प्रतीक्षा में ही उसका वो जो स्त्रीण तत्व है वो ज्यादा प्रकट होगा। उसे जितना अवसर मिले निष्क्रिय प्रतीक्षा का, उसके भीतर की गहराइयां उतनी ही गहन और गहरी हो जाती हैं, और उनके उसके आंतरिक रहस्य मधुर और सुगंधित हो जाते हैं। एक बहुत हैरानी की बात मैं कभी कभी पढ़ता रहा हूं, कभी मेरे ख्याल में नहीं आती थी कि बात क्या होगी। कैथोलिक प्रीस्ट के सामने लोग अपने पापों की स्वीकृतियां करते हैं, कन्फेशन करते हैं। अनेक कैथोलिक पुरोहितों का यह अनुभव है कि जब स्त्रियां उनके सामने अपने पापों की स्वीकृति करती हैं तो स्वभावतः वे भी मनुष्य हैं और केवल ट्रेंड प्रीस्ट हैं। ईसाइयत ने एक दुनिया को बड़े से बड़ी जो बुरी बात दी है वो ये, प्रशिक्षित पुरोहित दिए। कोई प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता,
प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकते हैं, प्रशिक्षित वकील हो सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता, उसी तरह जैसे प्रशिक्षित पोएट कवि नहीं हो सकता। और अगर आप कविता को सिखा दें और ट्रेनिंग दे दें और सर्टिफिकेट दे दें कि यह आदमी ट्रेंड है कविता में, तो वो सिर्फ तुकबंदी करेगा, कविता उससे पैदा नहीं हो सकती। पुरोहित भी जन्मजात क्षमता है, साधना का फल है, उसे कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। लेकिन ईसाईयत ने प्रशिक्षित किए, ट्रेंड पुरोहित हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, उनमें कोई डीडी है, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी कोई नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट पर जो डिविनिटी तय हो जाएगी वो डिविनिटी नहीं हो सकती है। वो क्या दिव्यता होगी जो एक स्कूल सर्टिफिकेट देने से तय हो जाती हो। तो पुरोहित के पास जब स्त्रियां अपने पापों का कन्फेशन करती हैं तो ये कन्फेशन बहुत टेम्पटिंग हो जाता है, स्वाभाविक। जब कोई स्त्री अपने पाप का स्वीकार करती है और एकांत में करती है तो पुरोहित के लिए बड़ी बेचैनी हो जाती है। स्त्री तो हल्की हो जाती, पुरोहित भारी हो जाता है। लेकिन कैथोलिक पुरोहितों का एक वक्तव्य मुझे सदा हैरान करता था, वो ये कि विधवा स्त्रियां ज्यादा आकर्षक और टेम्पटिंग सिद्ध होती। मैं बहुत हैरान था कि क्या कारण होगा। असल में विधवा अगर सच में विधवा हो तो उसके सौंदर्य में बहुत बढ़ती हो जाती, क्योंकि प्रतीक्षा उसके स्त्रीण रहस्य को गहन कर देती। कुंवारी लड़की में जो रहस्य होता है वो प्रतीक्षा का है। इसलिए सारी दुनिया में जो समझदार कौमें थी उन्होंने तय किया कि कुंवारी लड़की से ही विवाह करना, क्योंकि सच तो यह है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उससे विवाह करने का मतलब है कि आपको स्त्री के रहस्य को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो रहस्य पहले ही खंडित हो चुका, वो स्त्री छिछली हो गई, उसने प्रतीक्षा ही नहीं की है इतनी जितनी प्रतीक्षा पर वो भीतर का पूरा रहस्य में फूल खिलता है। इसलिए जिन समाजों ने स्त्री के कुंवारे रहने पर और विवाह पर जोर दिया उन्होंने पुरुष के कुंवारेपन की बहुत फिक्र नहीं की। उसका कारण है कि पुरुष के कुंवारेपन या ना कुंवारेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्त्री के कुंवारेपन से फर्क पड़ता है। कुंवारी स्त्री में एक सौंदर्य है जो विवाह के बाद उसमें खो जाता है, वो सौंदर्य उसमें फिर से जन्मता है जब वो मां बनना शुरू होती है, क्योंकि अब वो एक और बड़े रहस्य के द्वार पर और एक और बड़ी प्रतीक्षा के द्वार पर खड़ी हो जाती। उसे गर्भवती देखकर पति चिंतित हो सकता है और पति चिंतित होते हैं और उनकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि उनके लिए प्रतीक्षा नहीं केवल एक और इकोनॉमिक एक आर्थिक उपद्रव उनके ऊपर आने को है। लेकिन मां मधुर हो जाती है। असल में मां का गर्भ जैसे बढ़ने लगता है उसकी आंखों की गहराई बढ़ने लगती है, उसके शरीर में नए कोमल तत्वों का आविर्भाव होता है। गर्भिणी स्त्री का सौंदर्य स्त्री रहस्य से बहुत भारी हो जाता है। ये क्या होगा रहस्य, ये पैसिविटी इज द सीक्रेट। अब मां बनने के लिए कुछ उसे करना तो पड़ता नहीं, बेटा उसके पेट में बड़ा होने लगता है, उसे सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती, उसे कुछ भी नहीं करना होता। असल में उसे सब करना छोड़ देना होता है, सिर्फ प्रतीक्षा ही करनी होती। जैसे जैसे उसके बेटे का या उसकी बेटी का उसके गर्भ का विकास होने लगता है वैसे वैसे सब काम उसे छोड़ देना पड़ता है, वो सिर्फ प्रतीक्षा में रह जाती, वो सिर्फ स्वप्न देखने लगती है। इसलिए अगर सारा काम स्त्री छोड़ दे बच्चे के जन्म के करीब तो वे स्वप्न देख सकती है जो उसके बच्चे के भविष्य की सूचनाएं होंगे। इसलिए महावीर या बुद्ध की मां के स्वप्न बड़े मूल्यवान हो गए। महावीर या बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि जब वे पैदा हुए तो उनकी मां ने स्वप्न देखे, वे स्वप्न रोज मां के सामने प्रकट होते गए। उन स्वप्नों में बुद्ध या महावीर के जीवन की सारी रूपरेखा प्रकट हो गई। अगर मां सच में ही मां हो और आने वाले भविष्य में जो जन्म लेने वाला प्राण है उससे उसके साथ पूरी पैसिविटी में हो
तो वो अपने बच्चे की जन्म कुंडली खुद ही लिख जा सकती है, किसी पुरोहित किसी पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं। और मां जिसकी जन्म कुंडली न लिख सके उसकी कोई पुरोहित और पंडित ना लिख सकेगा, क्योंकि इतना तादात्म इतना एकात्म फिर कभी किसी दूसरे से नहीं होता है, पति से भी नहीं होता है इतना तादात्म पत्नी का जितना अपने बेटे से होता है। बेटा उसका ही एक्सटेंशन है, उसका ही फैलाव है, लेकिन मां बनने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, पिता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मां बनने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, मां बनने के लिए केवल मौन प्रतीक्षा करनी होती है। इस मौन प्रतीक्षा में दो चीजों का जन्म होता है, एक तो बेटे का जन्म होता है और एक मां का भी जन्म होता है। इसलिए पूरब के मुल्क जिन्होंने फेमिनिन मिस्ट्री को समझा, उन्होंने स्त्री को जो चरम आदर दिया है वो मां का, पत्नी का नहीं। ये बहुत हैरानी की बात है। मुझसे लोग पूछते थे कि आप सन्यासियों को स्वामी कहते हैं लेकिन सन्यासियों को मां क्यों कहते हैं जबकि वो भी उनका विवाह भी नहीं हुआ, उनका बच्चा भी नहीं हुआ। असल में मां का संबंध स्त्री की चरम गरिमा से है, वो अपनी चरम गरिमा पर सिर्फ मां के क्षण में होती है। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है वो पत्नी होना नहीं है, प्रेयसी होना नहीं है, प्रेयसी और पत्नी होना केवल चढ़ाई की शुरुआत है। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है, जो शिखर अनुभव है, उसका मां होना। इसलिए जिन समाजों में भी स्त्रियों ने तय कर लिया है कि पत्नी होना उनका शिखर है, उन समाजों में स्त्रियां बहुत दुखी हो जाएंगी क्योंकि वो उनका शिखर है नहीं। यद्यपि पुरुष राजी है कि वे पत्नी होने को ही अपना शिखर समझे, क्योंकि पुरुष को पति होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, पिता होने पर उसे शिखर उपलब्ध नहीं होता। उसे प्रेमी होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है लेकिन स्त्री को उपलब्ध नहीं होता। स्त्री का ये जो मातृत्व का राज है, इसे लाओस से कहता है ये अंधेरे जैसा है। इसमें और बहुत सी बातें ख्याल में लेने जैसी हैं। जब पुरुष पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो उसके पास अभी सेक्स हार्मोन होते नहीं, बाद में पैदा होने शुरू होते हैं। उसका वीर्य बाद में निर्मित होना शुरू होता है। लेकिन यह जान के आप हैरान होंगे कि जब लड़की पैदा होती है तो अपने सब अंडे साथ लेकर पैदा होती है। उसके जीवन भर में जितने अंडे प्रति माह उसके मासिक धर्म में निकलेंगे उतने अंडे वो लेकर ही पैदा होती है। स्त्री पूरी पैदा होती है, उसके पास पूरा कोष होता है उसके एग्स का, फिर उनमें से एक एक अंडा समय पर बाहर आने लगेगा। लेकिन वो सब अंडे लेकर आती है, पुरुष अधूरा पैदा होता है, और अधूरे पैदा होने की वजह से लड़के बेचैन होते हैं और लड़कियां शांत होती हैं। एक अनइजीनेस लड़के में जन्म से होती है, लड़की में एक एट ईजनेस जन्म से होती है। लड़की के शरीर का, उसके व्यक्तित्व का जो सौंदर्य है वो उसकी शांति से बहुत ज्यादा संबंधित है। अगर लड़की को बेचैन करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं, और लड़के को अगर शांत करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं। अशांत होना स्वाभाविक है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसका कारण है कि स्त्री जिस अंडे से बनती है उसमें जो अणु होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, दोनों एक से होते हैं, और पुरुष जिस क्रोमोसोम से बनता है उसमें एक्स वाई होता है, उसमें एक एक्स होता है एक वाई होता है, वो समान नहीं होते। स्त्री में जो तत्व होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, दोनों समान होते हैं, इसलिए स्त्री सुडौल होती है, पुरुष सुडौल नहीं हो पाता। स्त्री के शरीर में जो कर्व्स का सौंदर्य है वो उसके एक्स एक्स दोनों संतुलित अंडों के कारण है, और पुरुष के शरीर में वैसा संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई उसके एक और दूसरे में समानता नहीं है।
स्त्री के व्यक्तित्व को बनाने वाले 48 अणु हैं, वो पूरे हैं 24 24, पुरुष को बनाने वाले 47 हैं। और बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो जो एक अणु की कमी है वही पुरुष को जीवन भर दौड़ाती है, इस दुकान से उस दुकान, जमीन से चांद दौड़ाती रहती। वो जो एक कम है उसकी खोज, वो पूरा होना चाहता है। ये जो स्त्री का संतुलित शांत प्रतीक्षारत व्यक्तित्व है, लाओस्से कहता है ये जीवन का बड़ा गहरा रहस्य है। परमात्मा स्त्री के ढंग से अस्तित्व में है, पुरुष के ढंग से नहीं, इसलिए परमात्मा को हम देख नहीं पाते, उसे हम पकड़ भी नहीं पाते। वो मौजूद है जरूर, लेकिन उसकी प्रेजेंस स्ट्रेंथ न होने जैसा है। उसे हम पकड़ने जाएंगे उतना ही वो हमसे छूट जाएगा, उतना ही हट जाएगा, उतना ही उसकी खोज मुश्किल हो जाएगी। अस्तित्व स्त्रीण है, इसका अर्थ यह है कि अस्तित्व में जो भी प्रकट होता है अस्तित्व में पहले से छिपा है। एक जैसा मैंने कहा, स्त्री में जो भी पैदा होगा वो सब पहले से ही छिपा है, वो अपने जन्म के साथ लेकर आती है सब, उसमें कुछ नया एडिशन नहीं होता। वो पूरी पैदा होती है, उसमें ग्रोथ होती है लेकिन एडिशन नहीं होता, उसमें विकास होता है लेकिन कुछ नई चीज जुड़ती नहीं। यही वजह है कि वो बड़ी तृप्त जीती है। स्त्रियों की तृप्ति आश्चर्यजनक है, अन्यथा इतने दिन तक उनको गुलाम नहीं रखा जा सकता था। उनकी तृप्ति आश्चर्यजनक है, गुलामी में भी विराजी हो जाती है, कैसी भी स्थिति हो विराजी हो जाती है। अतृप्ति उनमें बड़ी मुश्किल से पैदा की जा सकती है, बड़ी कठिन है, और तभी पैदा की जा सकती है जब कुछ बायोलॉजिकल कठिनाई उनके भीतर पैदा हो जाए, जैसा पश्चिम में लग रहा है कि कठिनाई पैदा हुई है, तो उनमें पैदा की जा सकती है बेचैनी। और जिस दिन स्त्री बेचैन होती है उस दिन उसको चैन में लाना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल अप्राकृतिक है उसका बेचैन होना। इसलिए स्त्री बेचैन नहीं होती, सीधी पागल होती है। या आप जान के हैरान होंगे कि स्त्री या तो शांत होती है या पागल हो जाती है, बीच में नहीं ठहरती, ग्रेडेशंस नहीं है। पुरुष न तो शांत होता है इतना, न इतना पागल होता, बीच में काफी डिग्रीज है उसके पास, अशांति की डिग्रीज में वो डोलता रहता है। बड़ी से बड़ी अशांति में भी वो पागल नहीं हो जाता, और बड़ी से बड़ी शांति में भी वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाता। नीत्से ने बहुत विचार की बात कही है, उसने कहा है कि जहां तक मैं समझता हूं बुद्ध जैसे व्यक्ति में स्त्रीण तत्व ज्यादा रहे होंगे। बुद्ध को वुमेनिस कहा है नीत्से ने, और मैं मानता हूं कि इसमें गहरी समझ है। सच यह है कि जब कोई पुरुष भी पूरी तरह शांत होता है तो स्त्रीण हो जाता है, हो ही जाएगा, हो जाएगा, इसलिए कि इतना शांत हो जाएगा कि वो जो पुरुष की अनिवार्य बेचैनी थी, वो जो अनिवार्य अशांति थी, अनिवार्य तनाव था, वो जो टेंशन था पुरुष के अस्तित्व का, वो खो जाएगा। यही वजह है कि हमने भारत में प्रतीकात्मक रूप से कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की दाढ़ी मूछ नहीं बनाई। ऐसा नहीं कि नहीं थी, थी, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि वो सांकेतिक नहीं रह गई, सांकेतिक नहीं रह गई, वो बुद्ध के भीतर की खबर नहीं देती, इसलिए उसे हटा दिया। सिर्फ एक मूर्ति पर बुद्ध की दाढ़ी है, इसलिए लोग उस मूर्ति को कहते हैं वो झूठ है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी मूर्ति पर दाढ़ी नहीं है। महावीर की एक मूर्ति पर मूछ है तो लोग कहते हैं कि वो कुछ किसी जादूगर ने उन पर मूछ उगा दी है, तो उस पूरे मंदिर का नाम मुछाला महावीर है,
मूछ वाले महावीर, क्योंकि महावीर तो मूछ वाले थे नहीं। लेकिन महावीर में मूछ न हो, बुद्ध में मूछ न हो, कभी एक आध दफा ऐसी घटना घट सकती है, क्योंकि कुछ पुरुष होते हैं जिनमें हार्मोन्स की कमी की वजह से दाढ़ी मूछ नहीं होती। लेकिन जैनों के 24 तीर्थंकर हो, किसी को दाढ़ी ना हो, जरा कठिन, इतना बड़ा संयोग मुश्किल है। लेकिन वो प्रतीकात्मक है, वो इस बात की खबर है कि हमने ये स्वीकार कर लिया था कि ये व्यक्ति अब स्त्रीण रहस्य में प्रवेश कर गया, दी फेमिनिन मिस्ट्री में। ध्यान रहे, जब मैं स्त्रीण रहस्य कह रहा हूं तो कोई ऐसा ना समझे कि मेरा मतलब स्त्री से ही है। स्त्री भी हो सकती है स्त्रीण रहस्य में प्रवेश ना करे, और पुरुष भी प्रवेश कर सकता है। स्त्रीण रहस्य तो जीवन का एक सूत्र है। लाओसे इसलिए कहता है कि द फीमेल मिस्ट्री दस डू वी नेम, हम इस तरह नाम देते हैं। नाम देने का कारण है क्योंकि ये नाम अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है। हम उस रहस्य को पोष जैसा नाम नहीं दे सकते।